नाज़रीन, मोनस इलाही के बचपने और परवेज़ इलाही के बुरे तर्ज हुक्मरानी ने एक बार फिर वफाक को और पंजाब को आमने सामने ला खड़ा किया है। आज आप चाइल्डिश बिहेवियर देखें मोनस इलाही का, कि आज उन्होंने पंजाब में एक FIR दर्ज करवाई और उस FIR में वफाकी वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला को पुराने जो उनका काफ़ी देर पहले उन्होंने बयान दिया था उसके ऊपर FIR दर्ज करके उसको बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट में ये मेंशन किया कि आप हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात दर्ज करते हो ये उसका सबक है और अनकरीब आपकी गिरफ्तारी भी होगी। जबकि दूसरी जानब लाहौर में ही मरियम नवाज शरीफ, सरदार अय्याज सादक और दीगर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त दे दी गई है और जो कि FIR आप समझ लें कि कल तक जो है उसके ऊपर FIR का इंदराज हो जाएगा। ये पुराने बयानात नाज़रीन हैं जिनके ऊपर FIR का इंदराज किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानब अगर इमरान खान के PTI के पुराने बयानात निकाले जाएं तो मेरे ख्याल में फिर नाज़रीन सैकड़ों नहीं हज़ारों के FIR जो हैं वो इमरान खान और PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ हो सकती हैं। ये हमारा मुल्क किस तरह चल रहा है बिल्कुल समय से बाहर है कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं या जो बनाए जा रहे हैं ये किसी भी तौर पे किसी भी मुल्क को सूटेबल नहीं है। आप एक तरफ देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया कि उन्होंने कतर में क्यों चले गए, उन्हें यहाँ रहकर लोगों की मदद करनी चाहिए थी। नाज़रीन, जब हमारे मुल्क में हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम लोगों की मदद कैसे कर सकेंगे। ये उनका एक बेहतरीन और कामयाब दौरा था जिसमें उन्होंने $3 अरब की बाकायदा इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर उन्होंने बाकायदा साइन करते हुए उन्होंने इसको पास किया कतर हुकूमत ने और उसका ऐलान भी कर दिया। जबकि दूसरी जनाब आप ये देखें कि UAE ने पहले ऐलान कर दिया और मजीद वो इस हवाले से इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जबकि आज सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर शाही फरमान के तहत $1 अरब की जो इमदाद है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है। नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में इमरान खान की हुकूमत में हमें कभी भी नज़र नहीं है। मैं आज भी बात कर रहा था कि कोई ऐसा पूरे 4 साल के दौरान आप एक भी मनसूबा दिखा दें, एक भी काम दिखा दें जो इमरान खान ने मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए या यूथ की बेहतरी के लिए किया हो, सिवाए यूथ को गालियाँ, सिवाए यूथ को लड़ाई, मार कुटाई, झगड़े, ओए तोए के अलावा इमरान खान ने इन 4 सालों में पूरी कौम को सिवाय ओए तोए के कुछ भी नहीं दिया। कोई दौरा उठा के देख लें, किसी किस्म की आप उनकी, मेरे ख्याल में जो भी चीज़ आप देखेंगे उसमें इमरान खान का 4 साला दौरे हुकूमत आपको नाकाम ही नज़र आएगा। जबकि अब हालात ये पैदा किए जा रहे हैं कि जो वफाक के जो वज़ीर हैं या जो रहनुमा हैं उनके ऊपर पंजाब में मुकदमात का इंदराज करके सिर्फ और सिर्फ सियासी फ़ज़ा को ख़राब करना और इस हद तक ले जाना सूरत-ए-हाल को कि जो वापसी भी ना हो सके। लेकिन ये शायद पंजाब के वज़ीर आला को, मोनस इलाही उनके बेटे को ये इल्म नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 सीटों के वज़ीर आला हैं। अच्छा, इमरान खान उन्हें पहले ही नापसंद करते हैं, उनका किसी भी वक्त जो है वहाँ पर बैकफायर हो सकता है। इमरान खान सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब हुकूमत को इसलिए लेकर चल रहे हैं कि उनको पता है कि अगर पंजाब हुकूमत में उन्होंने परवेज़ इलाही से हालात ख़राब कर लिए, परवेज़ इलाही के साथ लड़ पड़े, तो पंजाब का जो एक बड़ा एक मोर्चा है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा और उसमें से इमरान खान जिस तरह एक प्रेशर जो है लेकर चल रहे हैं उस प्रेशर को किसी भी सूरत में वो कायम नहीं रख सकेंगे, क्योंकि पंजाब उनके हाथ से जब निकल गया, जब हुकूमत नहीं होगी तो फिर आप समझ लें कि पंजाब से उनकी इमदाद के लिए कोई भी इस्लामाबाद नहीं पहुँच सकेगा, जिस तरह वो इस वक्त कर रहे हैं कि हम जी बहुत जल्द इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ वो जमात है, आप ये देखें, आपने मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारियां होते भी देखी थी, तमाम लोग बड़े हंस के गिरफ्तार होते थे और जाते थे, इनके सिर्फ 2 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, तो आप उनका चीखना चिंगाड़ना रोना देखें कि मेरे ख्याल में शायद ऐसी तरबियत मेरे ख्याल में पाकिस्तान तरीके साहब ने की है कि आप ड्रामे करें और ड्रामे भी इस हद तक करें कि आप लोगों में मजाक बन जाए। जबकि ये पार्टी ना तो पुलिस, रेंजर या किसी भी सिक्योरिटी इदारे का सामना कर सकती है। एक शेलिंग हुई थी अंसू गैस की, आप देखें कि इनके रहनुमा उसमें रो रहे थे कि जी ये इन्होंने क्या कर दिया, जी ये वो पार्टी नहीं है नाज़रीन का जो किसी भी तरह से ऐसे सिक्योरिटी इदारों का मुकाबला कर सके या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इस हवाले से बहुत कुछ करना होगा। ये वो दौर नहीं है कि आप किसी भी तरह की कहेंगे जी हम अल्टीमेटम दे के हम आ रहे हैं तो हम ये कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकेंगे।
लेकिन अगर आप हालात ख़राब करेंगे तो ज़ाहरी बात है वफाक आपने आप ये कहते हैं कि नाज़िम ये देखिए कि ये लोग ये कहते हैं कि जी उनकी सिर्फ 25 किलोमीटर पे हुकूमत है, उस 25 किलोमीटर की हुकूमत ने इनके लिए वो हालात पैदा कर दिए कि इमरान खान को बार बार अदालतों में पेश होना पड़ रहा है, अपनी ज़मानतें करवानी पड़ रही हैं और ये सारा कुछ जो है ये वो सिर्फ़ और सिर्फ 25 किलोमीटर की हुकूमत जो है इनके खिलाफ कर रही है। अगर ये इस तरह का एजिटेशन या इस तरह का माहौल लेकर चलेंगे तो ये 25 किलोमीटर की हुकूमत जो है इनको ऐसे नाकों चने जबवाएगी कि शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहरहाल मैं चाहूँगा ये सिर्फ कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात इस वक्त ये एक देखिए आप ये इससे बड़ा बचपना क्या हो सकता है कि आप एक FIR को ट्वीट करें और वफाकी वज़ीर दाखला को आप ये कहें कि जी अब आप देख लें अब आपके दिन अब अनकरीब हम गिरफ़्तार करेंगे और इस तरह की चीज़ें आप मीडिया में हाईलाइट करें, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं और इमरान खान को खुश करने के चक्कर में आप इमरान खान की खुशनुदी हासिल करने के चक्कर में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों के मुर्तकिब हो रहे हैं। वरना मोहम्मद सिलाई पर जितने करप्शन के इल्ज़ाम हैं नाज़रीन कि इंसान अगर उसको पता चले तो वो तौबा तायब कर उठे। ये इमरान खान से सिर्फ डर की वजह से मिले थे कि इमरान खान के खिलाफ केस कर रहा था, तो उसके बाद जब केस उसका उन्होंने पीछे हुए तो उसके बाद मोहम्मद सिलाई ने उनके फिर राग अलापना शुरू कर दिए और अब सूरत हाल आपके सामने। बहरहाल इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आप ये भी देखेंगे कि इमरान खान के हवाले से आप जो सितंबर का महीना मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक ऐसा महीना है जिसमें इमरान खान को मुकम्मल तौर पर इस पूरे खेल से आउट कर दिया जाएगा और ये दिन करीब आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानब आप ये देख रहे हैं कि ये जो ऐलानात हैं सऊदी अरब हुकूमत के, कतर हुकूमत के, UAE के, ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने आज तक इन ममालक से कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया और ये वहद हुकूमत है जो इस वक्त आप ये देखेंगे अभी IMF का पैसा यहाँ पर नहीं आया लेकिन उसके बावजूद एक हैंडसम किस्म का जो ज़रे मुबादला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जो इत्तेहादी वो जमा कर चुके हैं। बहरहाल इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है उसमें बहुत ज़्यादा हमें हम सबको बढ़ चढ़ कर काम करने की ज़रूरत है। इमरान खान सिर्फ एक फ़ोटो सेशन आदमी है और वो उन्होंने कल प्लान किया कि मैं जाऊँगा लेकिन ये सारे का सारा नाज़रीन ऐसे ही जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ एक वहाँ पे उन्होंने अपना एक फ़ोटो सेशन करना है लोगों को दिखाना कि मैं वहाँ पे गया था। बहरहाल इसके अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन हुकूमत को मुखियर इदारों को जो सैलाब में फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि इस वक्त इंसानियत मर रही है और ये लोग ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत जो है वो बिल्कुल सोई हुई है, पंजाब डूब रहा है जबकि ये लोग अपनी सियासत में मसरूफ़ हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।